तो यहाँ पे जो है गाय को हरियाली खाने के लिए सर्दी पे कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए जो है ये सेब के सूखे हुए पत्ती खा रहे। बर्फ पड़ी है रात को थोड़ी थोड़ी, देखिए। लकड़ियाँ उतारना शुरू कर दिया है, अब मैं भी उतारता हूँ फटाफट। देखिए ये है बिच्छू बुट्टी जो हमारी सास ने भेजा है हमारे लिए। तो अभी जो है छोले है, इस पे चावल है, तो सब्जी है मिक्स सब्जी। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक और अच्छे। तो मिलिए रिदम से। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 8 बजे से। तो आगे की ब्लॉग जो है मैं ही बनाऊंगी और हस्बैंड जी जो है अभी काम पे जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि शुरुआत करते हैं फिर चले जाना। तो एकदम ही जाना पड़ रहा है, मतलब चाय पी लिया मैंने और चले जाएंगे। फ्रेश भी नहीं हुआ है, ब्रश भी नहीं किया है, तो इमरजेंसी एकदम से जाना पड़ रहा है काम के लिए ना। कहीं जाना है, उन्होंने ट्रक उतारना है, उन्हें लकड़ी का दिखाएंगे अभी आपको। मैं भाई के फोन से जो है शूट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है फिर ना। ठीक है, तो आगे का ब्लॉग जो है मैं ही बनाऊंगी, मतलब घर का ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो हस्बैंड जी चले गए हैं, तो हस्बैंड जी जो है बाहर अपना काम का ब्लॉग बनाएंगे। आखिर टाइम मिलेगा तो मैं घर का काम करती हूँ। और अभी ही उठी हूँ तो हस्बैंड जी ने ही चाय पिया है और मैंने अभी चाय कुछ भी नहीं पिया है। तो पहले चाय पी लेती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। अभी जो है हम लोग रोड पे आ गए हैं, तो भाई जो है गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो रात को जो है थोड़ी बर्फ़ भी पड़ गई है, तो गाड़ी जो है स्टार्ट होना मुश्किल ही लग रही है। तो अभी हम लोग जो है ट्रक उतारने जाएंगे, फिर गाड़ी के लिए भाई आएगा दोबारा यहाँ पे ना। तो देखिए रात को बर्फ़ पड़ी है गाड़ी के ऊपर भी, और इसका जो ऑयल वगैरह होता है ना जम जाता है बिल्कुल। तो हो गई स्टार्ट। ये हमारे छोटे भाई की गाड़ी है और ये हमारे साला जी गेम खेल रहे सुबह सुबह। पूरा बर्फ पड़ी है रात को थोड़ी थोड़ी, देखिए। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब चलते हैं। थोड़ा स्टार्ट रखेंगे, थोड़ी गर्म हो जाएगी तो फिर चलेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लकड़ी के डिपो के पास। यहाँ पर जो है लकड़ी का डिपो है ये, और एक ट्रक जो है यहाँ पर आया हुआ है लकड़ी का। तो देखिए इस ट्रक में जो है लकड़ियाँ हैं, अब ये हमने उतारनी है। तो काफ़ी जल्दी आ गए हम लोग, इन्होंने कहीं जाना है। देखिए यहाँ पर सभी बांध की लकड़ियाँ, और काफ़ी पक्की लकड़ियाँ ही आती है यहाँ पर, कच्ची नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो लकड़ी का दाम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, करीबन इस बार 1300 रुपये क्विंटल है, एक क्विंटल का 1300 रुपये। तो इस वजह से हमने भी नहीं लिया अभी लकड़ियाँ। तो भाई अभी बात करने गए हैं अंदर ना, तो वो बात करेंगे और हम जो है ये लकड़ियाँ उतारना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कितना पैसा देंगे हमें। आज जो है काफ़ी ज़्यादा काम है हमें, तो कई लोगों ने हमें जो है लकड़ियाँ तोड़ने के लिए भी कहा है, गांव के लोगों ने। तो करते हैं काम। और लकड़ियाँ उतारना शुरू कर दिया है, अब मैं भी उतारता हूँ फटाफट। तो अभी जो है 15 मिनट हुए हैं हमारे को उतारते हुए, तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा खाली करती है, तो थोड़ा सा रह गया है। तो काफ़ी तेज काम करने वाले हैं लगभग सब, सारा उतार देते हैं।
तो अभी जो है मैं इस साइड आई थी पानी देखने, तो पानी का पाइप जमा हुआ है, पानी नहीं आया है। तो ये जो है सेब का बाग है और इसके अंदर जो है तीन गाय है, दो गाय है और छोटा सा बच्चा है। तो यहाँ पे जो है गाय को हरियाली खाने के लिए सर्दी पे कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए जो है ये सेब के सूखे हुए पत्ते खा रहे। तो यहाँ पे जो है पशुओं को पालन पोषण करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, खाली पहाड़ हरियाली कुछ भी नहीं मिलता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए जो है यहाँ की गाय वगैरह ना ज़्यादा दूध भी नहीं देते हैं। तो अभी जो है 12:07 हुआ है और अभी जो है किचन का सारा काम करके जो है मैं फ्री हुई हूँ। अब झाड़ू रह गया है और बेड रह गया है, तो करती हूँ कमरे का सफाई। और अभी तक जो है मैंने लंच भी नहीं बनाया है। हाँ जी, तो रिदु देखो आज बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। कब मारा था झूठ बोलते आप? कब मारा था बताओ, कब मारा मैंने आपको? मैंने आपको हाथ मुंह धोने के लिए बोला था, फिर भी नहीं माने ना, बाल के हाल देखो। तो अभी जो है दिन के 2 बज रहे हैं और हमारा लंच भी हो गया है। तो अभी जो है हमें काम पे जा रहे हैं ना, हम तीनों जेठानी देवरानी जा रहे हैं और हस्बैंड जी भी जा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड जी कहीं और जाएंगे और हम कहीं और। और जो है मेरे पास फ़ोन नहीं होगा क्योंकि हस्बैंड जी को कल की वीडियो भी एडिट करनी है, इसलिए फ़ोन जो है हस्बैंड जी के पास होगा। तो हम जाते हैं काम और शाम को मिलेंगे जब काम से आएंगे। आंते आंते बोस। तो अभी हम लोग जो है 50 बोरी खाद लेके आए हैं और उतार कर यहाँ पर रख देंगे हम लोग, फिर जाएंगे लकड़ी के लिए। तो अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं और अभी जो है हस्बैंड जी घर आए हैं। तो जैसे कि हमने गोबर उतारा, फिर उसके बाद जो है हम लकड़ी के लिए चले गए थे ना, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे आज, और एक ही गाड़ी, एक ही ट्रक था लकड़ी का आया हुआ, तो लकड़ी पहुँची नहीं मतलब लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को वहाँ पर। तो अभी फ्री हुए थे हम लोग वहाँ से, बहुत ही मुश्किल था आज तो काम। हाँ जी, तो हस्बैंड जी भी बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे। और मैंने भी जो है मतलब आज ही किया ऐसा हार्ड काम ना, मिट्टी था बहुत ही ज़्यादा, पत्थर भी थे ना उस पर, तो हमने धोया तो बहुत ही ज़्यादा थक गए, सब हस्बैंड जी भी थक गए हैं। और मैं भी काम से 4:30 बजे पहुँची थी, तो हस्बैंड जी आने तक जो है मैंने सब्जी बना दिया है और आटा भी गूंद दिया है, तो मुझे अब रोटी बनाना है। तो सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए पानी गर्म करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी, फिर हम चाय पियेंगे। मैंने भी चाय नहीं पिया, हस्बैंड जी का ही वेट कर रही थी, तो साथ पे चाय पीते हैं, हस्बैंड जी फ्रेश होंगे, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो हस्बैंड जी भी फ्रेश हो गए हैं और मैंने चाय भी बना दिया है, तो दूध वाला चाय मैं अमूल का डब्बा लेकर आई थी, तो हमारा दूध वाला चाय। मम्मा आपको मैगी लेकर आए थे ना, लॉलीपॉप भी खाया था ना, तो आप सभी को बताते हैं जब बार बार से जब से हम इधर ताबू आए ना, तब से रिदम बहुत ही बिगड़ गया है ना, हमारे ब्लॉग पे आता है ना, बोला और सुनता है, बहुत ही ज्यादा जिद करता है। मैं मारती भी नहीं हूँ ना, फिर भी बोलता है कि मेरे को मारा, फिर रोता है 1-1 घंटे तक। मम्मी पापा भी मुझे मारते हैं और ये मेरी लोई चाची दीदी। कब मारा बताओ? अभी तो मेरे घर पे टीवी लग रहा है। नहीं, कब मारा? नहीं, आपको कब मारा मम्मा ने? हम तो कभी नहीं मारते ना रिया ना रिदम को, जसुतन भी आप लोगों को भी मारते है? नहीं ना, ये रिदम कितना जोर बोलते है, फिर क्या बोलते है ना रिदम को, अभी ये छोटा ना, इसको समझ नहीं आता है मारना क्या है और डांटना क्या है, हम उसको डांटेंगे ना ऐसा मत करो, फिर बोलता है कि मारा मारा, फिर रोने लग जाता है। कभी बनाऊंगी मैं इसका वीडियो, रोते हो क्या? पापा भी मुझे मारते हैं।
तो ठीक है ठीक है, हम मारते ना, हम लिड्डू से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जो है मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिसके लिए जो है हम खाने के लिए बहुत ही ज्यादा तरस जाते हैं इस जगह पे। इस जगह पे जो है हरियाली, ताजा चीज खाने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरी सास जी जो शिमला रहते हैं ना, तो मेरी सास जी ने जो है मुझे कुछ भेजा है, और जो भी भेजा है तो हस्बैंड जी और मेरा, मतलब हमारे पूरे परिवार का क्या बोलते हैं, फेवरेट है। हमारे का क्या मतलब, ये पूरे नेपाल में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, बहुत ज्यादा, और इंडिया में काफी फेमस है। हाँ जी, तो यहाँ पे नहीं मिलता है तो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भेजा है मेरे साजी ने, बहुत ही ज्यादा भेजा था, तो दो से तीन बारी जो है बनाकर हमने खा लिया है। तो इसको बोलते हैं सिमे साग, सिमी साग भी बोलते हैं और खोले साग भी बोलते हैं ना इसको, ज्यादातर खोले साग ही बोलते हैं, ज्यादा से जो है इसको खोले साग ही बोलते हैं। और मतलब पालक भाजी, सरसों, बहुत से सागों का टेस्ट जो है इसके आगे फीका है, बहुत ही टेस्टी। और इसको बनाने पे जो है ज्यादा सामान भी नहीं लगता है, बस तेल, जीरा और सूखी मिर्च, इतना टेस्टी बनता ना, इतना ज्यादा हर साग को फेल कर देता है। तो दिखा दिया, तो ये देखिए, ये है बिच्छू बूटी, और देखिए ये है बिच्छू बूटी जो हमारी सास ने भेजा है हमारे लिए। तो अभी जो है छोटे से कट्टे पे मैंने फैला के रखा है ताकि ये खराब ना हो जाए। तो ये है बिच्छू बूटी, और इसको जो है हम लोग अपने भाषा पे शिशनो बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए भेजा मम्मी जी ने, मतलब सास को मैं मम्मी जी बोलती हूँ, मम्मी जी ने, क्योंकि हस्बैंड जी भी बीमार है, जैस्मिन, जेठ जी और रिदम को खांसी लगा है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, सर्दी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो कल बनाऊंगी और दिखाऊंगी आप सभी को। शिमला से भेजा हुआ है मम्मी जी ने, इतने दूर से देवर जी और देवरानी लेकर आए हैं। तो ये देखिए, बोलते हैं ना मम्मी जी का मन ऐसा ना, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे जगह पे बैठते हैं, मेरे बच्चों को जो है कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो भेजा खोले साग तो मेरा इतना फेवरेट है ना। और ये देखिए, तो ये मम्मी ने अरबी भेजा है, और हमने चार घर पे बांटा ना, तो इसलिए इतना इतना हो गया हमारे चारों घर पे, एक एक दो दो सब्जी बन जाएंगे क्योंकि हम कम है। तो ये देखिए, ये है हस्बैंड जी का फेवरेट, ये ना एक एक थाल खाते, ये है पहाड़ी लोग बोलते हैं पहाड़ी नींबू, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको गलगल। और कुछ भी भेजा था, हाँ जी, और शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी भी भेजा था ना, तो मैंने सब्जी बनाया है, और कुछ ना नीचे से लाते लाते खराब हो गया, क्योंकि एक दिन जो है सड़क खराब होने के कारण यहीं पे रुक गए थे ना, यहाँ से कितना 25 या 50 किलोमीटर दूर हमारे देवर और देवरानी जी रुके थे ना, इसलिए तो शिमला मिर्च खराब हो गया था, और सब ठीक है। तो देखिए, तो मैं तंदूर पे ही खाना बनाती हूँ आजकल, क्योंकि गैस खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो खाना मैंने बना दिया है, तो दिखाती हूँ खाने पे क्या बनाया है। तो सबसे पहले रोटी है, और इस पे खोले साग है, और इस छोटे से कौली पे कड़ी है, और तीन अंडे बॉयल है, इस पे चावल है, तो सब्जी है मिक्स सब्जी, फूलगोभी, आलू, गाजर, शिमला मिर्च। तो भूख भी बहुत जोर से लगी है, तो खाते हैं हम खाना, फिर मिलते हैं आप सभी से खाना खाने के बाद। तो हमारा खाना पीना हो गया है, और अभी जो है रात के 10:30 बज रहे हैं, और हम बिस्तरे पे आ गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है ना, इसलिए तो लकड़ी भी नहीं लिया है, लकड़ी लेकर जो है ऊपर सड़क पे रखते हैं ना, ले लिया हम लोगों ने लकड़ी, हाँ जी, थोड़ा बहुत ही लिया है, 2-2 क्विंटल लिया ना, फिर लेंगे क्योंकि लकड़ी ख़त्म हो गई थी इसलिए। तो रिदम सो गया है, और क्या बोलते हैं, तो आप सभी को जो है हम फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी ने जो है हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी जो है विश किया है ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए जो है दिल से फिर से हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी के सामने जो है हम अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर ले आए, है ना।
तो यही था हमारा आज का वीडियो और आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।